तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ यहाँ पर मेंस सुपर स्मैश T20 टूर्नामेंट का भाई फाइनल मैच जो कि खेला जाएगा नॉर्दर्न ब्रेज वर्सेस कैंटबरी किंग्स के बीच में। तो भाई इन दोनों ही टीम्स के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ भाई दोनों टीम्स के जो गेंदबाज है जो चार चार ओवर कंप्लीट डालेंगे उनकी बात करेंगे, इसके अलावा डेथ ओवर्स की गेंदबाजों की बात करेंगे। साथ ही साथ भाई आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर बताने वाला हूँ जो ईजिली आपको GL मिनी GL विनिंग करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर लेना और वीडियो को लाइक करने के बाद भाई वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि भाई यहीं पर आपको मैं अभी एक डेमो टीम देने वाला हूं, लेकिन भाई जो फाइनल टीम होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी जाके भाई टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि भाई फुल एंड फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर अभी आपको ज्वाइन कर लेना है। अभी मैं आपको एक डेमो टीम दूंगा, साथ ही उससे पहले दोनों टीम्स की स्क्वाड डिस्कस करेंगे और क्या प्लेइंग 11 रह सकते हैं, इसके अलावा भाई यहां पर दोनों टीम्स की क्या परफॉर्मेंस रही अभी तक लास्ट मैचेस में भी आपको दिखाएंगे और साथ ही टूर्नामेंट की बात करेंगे। तो सारी चीजें आपको पता लगने वाली है, वीडियो को भाई कंप्लीट एंड तक देख लेना, क्योंकि अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो भाई बिल्कुल इजीली आप यहां पर काफी अच्छी जैकपॉट विनिंग करने वाले हो। साथ ही साथ भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो अभी के अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए भाई आप एक बार दोनों टीम्स की यहां पर स्क्वाड देख लेते हैं, उसके बाद भाई बात करेंगे सारी चीजों की, ठीक है। तो यहां पर भाई सबसे पहले अगर बात करें कैंटबरी किंग्स की टीम की, तो भाई देखो मैच की बात कर रहे थे सबसे पहले टाइमिंग की, तो भाई यहां पर भाई लोकल टाइम के हिसाब से 6:40 पर शाम को ये मैच खेला जाएगा, लेकिन अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 11:20 पर मैच खेला जाएगा। ये अभी मतलब अब से लगभग लगभग 5 घंटे बाद ये मैच खेला जाना है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं भाई दोनों टीम्स की स्क्वाड की, तो यहां पर स्क्वाड की बात करते भाई जो टीम के कैप्टन है वो रहने वाले भाई कोल मकोई ने, इसके अलावा भाई टोड एस्टल आपको दिखेंगे, ऐसे चैड बोल्स दिखेंगे, लियो कार्टर दिखेंगे, ब्लैक कोबर्न दिखेंगे, इसके अलावा कैम फ्लेचर दिखेंगे, मिच हे दिखेंगे और मैट एंड्री दिखेंगे, टॉम लाथम दिखेंगे, डार्सी मिशेल दिखेंगे, एडवर्ड नटल दिखेंगे और विल ओब्रायन दिखेंगे, इसके अलावा भाई हेनरी शिपले आपको दिखने वाले हैं। तो ये भाई इनकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब पूरी जो स्क्वाड है वो होने वाली है। अब यहाँ पर एक बार देखते कितने बंदे मतलब कितने मेंबर्स की स्क्वाड अनाउंस हुई है से, तो एक कोल मकोई ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है 12 या 13 बंदों की भाई ये एग्जैक्ट स्क्वाड अनाउंस हुई है। अब इसमें से भाई बाहर कौन बैठ सकता है, ठीक है, ब्लैक कोबर्न आपको शायद बाहर बैठे दिख सकते हैं, इसके अलावा भाई जो विल और के है ना भाई ये भी आपको बाहर बैठे नजर आ सकते हैं, इसके अलावा भाई अगर ये 11 के 11 प्लेयर बचे हैं तो भाई 11 खेलते नजर आएंगे आपको, ठीक है। मैं अब देखो एग्जैक्ट मैंने गिना नहीं किए मतलब 12 या 13, इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी खुद से देख लेनी है। बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल प्लेइंग 11 अभी मैं आपको बताने वाला हूं, और उसी के बेस पर अभी आपको एक डेमो टीम भी मिलेगी। और भाई मैच काफी अच्छा है, लेकिन भाई अपना लॉस मत करवा लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फुल एंड फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब ऐसे भाई बात कर लेते हैं जो नॉर्दर्न ब्रेव्स की टीम है उसकी, तो ऐसे आपको जीत रावल दिखेंगे, अनुराग वर्मा दिखेंगे, कोलिन डी ग्रैंडहोम दिखेंगे, हेनरी कूपर दिखेंगे, ईश सोडी दिखेंगे, इसके अलावा यहाँ से आपको दिखेंगे जियो कार्टर, जियो वाकर, इसके अलावा ये आपको दिखेंगे कैटले क्लार्क और यहाँ से भाई मैट फिशर दिखेंगे, मिशेल सेंटनर दिखेंगे, स्कॉट कुगलिन दिखेंगे, टिम साइफर्ट दिखेंगे, टिम साउथी दिखेंगे और यहाँ से भाई आपको दिखने वाले हैं ट्रेंट बोल्ट, ठीक है। तो भाई ये इनकी स्क्वाड रहेगी। अब यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से भाई आपको कितने बंदे की स्क्वाड दिख रही है, यहाँ से भाई आपको दिख रही है 5, 3, 5, यहाँ से भाई 14 मेंबर्स के आपको स्क्वाड दिख रही होगी। तो अब चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं इनमें से कौन 11 आपको खेलते नजर आने वाले। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं जीत रावल आपको खेलते नजर आएंगे, अनुराग वर्मा खेलते नजर आएंगे, कोलिन डी ग्रैंडहोम आपको खेलते नजर आएंगे, हेनरी कूपर भाई बाहर बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईश सोडी खेलते नजर आएंगे, जो कार्टर आपको खेलते नजर आएंगे, जो वाकर और जो कार्टर में से कोई एक खेलता नजर आएगा तो यहाँ से भी एक प्लेयर बाहर बैठ सकता है, कैटरिन क्लार्क आपको ऐसे बाहर बैठे दिख सकते हैं, तो 3 प्लेयर यहाँ से भाई बाहर बैठ गए। अब यहाँ से भाई मैट फिशर आपको बाहर बैठे दिख सकता है, या तो मैट फिशर दिखेगा या भाई स्कॉट कुगलिन दिखेगा, इन दोनों में से कोई एक आपको बाहर बैठा दिख सकता है,
ठीक है। तो ये भाई आपके लिए मतलब टीम रहने वाली है। अब चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं कि क्या दोनों टीम्स की लास्ट मैच में परफॉर्मेंस रही है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब भाई दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों टीम्स ने लास्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस की है। तो चलिए भाई सीधा चलते हैं फैन कोड एप्लीकेशन पर, जहाँ पर भाई अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोनों टीम्स में से किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है लास्ट मैच में। हालांकि दोनों टीम अपना लास्ट मैच विन करके आ रही है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस कौन से प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस दी है ये देखना भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यासिक भाई बात करेंगे मैंस सुपर स्मैश के फाइनल मैच में। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्दर्न ब्रेव की टीम की। तो नॉर्दर्न ब्रेव अपना लास्ट मैच 2 विकेट से विन करके आ रही है, आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। अब पहले भाई इनकी बॉलिंग हुई थी, तो पहले बॉलिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से भाई ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट निकाले, टीम साउथी ने यहाँ पर भाई 3 विकेट निकाले, इसके अलावा अनुराग वर्मा ने 2 ओवर डाले, ईश सोडी ने यहाँ पर 3 ओवर में 1 विकेट निकाला, मिचेल सेंटनर 4 ओवर में 1 विकेट, जो वाकर आपको दिखेंगे खेलते 4 ओवर में 3 विकेट, ठीक है। अब यहाँ से आपके लिए मैं बता दूँ बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन में आपको ऐसे कैटलिन क्लार्क दिखेंगे। कैटलिन क्लार्क भाई ओपनिंग कर रहा है, तो अगर खेलते हैं तो आपके लिए जीएल मिनी जीएल में बहुत ही बेहतरीन पिक होने वाला है, ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई आपको कौन दिखेगा, टॉम लाथम दिखेगा, टीम साइफर्ट भाई दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो टीम साइफर्ट ने ऐसे भाई 32 रन बनाए। इसके अलावा भाई बात करें तो जीत रावल दिखेगा, 10 रन बनाए, कोलिन ग्रैंडहोम यहाँ पर भाई 16 रन बनाए, मिचेल सेंटनर की बात करें तो 59 रन बनाए, हेनरी कूपर ने 21 रन बनाए, अनुराग वर्मा की बात करें तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो 11 रन बनाए, टीम साउथी ने यहाँ पर भाई 10 रन बनाए, इसके अलावा 2 रन यहाँ से ईश सोडी ने बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप पता लग गई है कि कौन से बैट्समैन ने क्या परफॉर्मेंस दी, कौन से बॉलर ने यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस दी है। एक बार मैं फिर से इनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ। 2 विकेट भाई ऊपर से ट्रेंट बोल्ट, 3 विकेट भाई यहाँ से टीम साउथी ने, नीचे जो वार्कल ने 3 विकेट निकाले, और ईश सोडी और मिचेल सेंटनर ने 1-1 विकेट निकाला है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं कैंटबरी किंग्स की क्या परफॉर्मेंस रही थी लास्ट मैच में। भाई इनकी बॉलिंग पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ से आप देखो बॉलिंग पूरी तरह से फ्लॉप रही थी। मैट एनरी को देखो, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ मैट एनरी आपके लिए कब इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर भाई फर्स्ट इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तो भाई मैट एनरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अगर कैंटबरी किंग्स की टीम बॉलिंग करती है तो मैट एनरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने ही रहने वाले हैं। और इसके अलावा हेनरी शिपले 4 ओवर में 1 विकेट निकाला, दो इन दोनों को ही विकेट मिले थे भाई, मैट हेनरी को 2 विकेट, शिपले को 1 विकेट। इसके अलावा भाई एडवर्ड नोटल विकेट लेस गए, डार्सी मिशेल विकेट लेस गए, कोल मकोइने विकेट लेस गए, और टोड एस्टलिया से विकेट लेस गए हैं, ठीक है। अब चलिए भाई डायरेक्ट चलते हैं हम सीधा इनकी बैटिंग की तरफ, और बैटिंग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर भाई आपको दिखेगा चैड बोव्स 41 बॉल पर 51 रन, बेहतरीन पारी लास्ट के 3 मैचेज में से 2 में हाफ सेंचुरी लगाई है, तो बेहतरीन फॉर्म में अभी और बेहतरीन खिलाड़ी है, ठीक है। टॉम लाथम ने 16 रन बनाए, डार्सी मिशेल ने 11 रन बनाए, लियो कार्टर भाई 30 बॉल पर यहाँ पर 44 रन बनाए। इसके अलावा बात करें तो भाई ऐसे कोल मकोई ने 0 रन बनाए, 2 बॉल खेलकर जल्दी से आउट हो गए थे। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा देखना, कैम फ्लेचर। अब देखो कैम फ्लेचर के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ, इनका बैटिंग ऑर्डर आप देखोगे तो आपको दिखेगा नंबर 6 पर खेलने आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये नंबर 6 पर ही मैंशन होते हैं तो भाई ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे, क्योंकि हर मैच में भाई नंबर 6 पर आकर और इतना मतलब बैटिंग मिल जाए, और बैटिंग मिल भी जाए तो भाई इतने अच्छे स्कोर बन जाए तो भाई ऐसा हर मैच में पॉसिबल नहीं होता। तो इस मैच में भाई चलो इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन भाई अगले मैच में आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, अगर भाई चेजिंग कर रही है टीम तो फिर भी आप कैम फ्लेचर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर भाई स्टार्टिंग में मतलब पहले बैटिंग आ जाती है तो भाई आप फिर इसको ट्राई नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। अब चलिए भाई चलते सीधा मतलब जो 11 चैलेंजेस है उसकी तरफ, वहाँ पर भाई मैं आपको एक डेमो टीम देने वाला हूँ। फाइनल टीम में आगे नहीं याद दिला दूँ भाई, टेलीग्राम चैनल जिसने भी ज्वाइन नहीं किया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार क्या हमारी डेमो टीम रहने वाली है।
तो यहाँ पर भाई आपको मैं डेमो टीम बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से अगर विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो आपके लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से टॉम लाथम इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ से भाई टीम साइफर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। दोनों को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई जीत रावल को आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, जो कार्टर को मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ। इसके अलावा भाई देख कैटलिन क्रार्क को आप जीएल मिनी जीएल में जरूर से जरूर ट्राई कर लेना। चैट बोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो 11 चैलेंजेस एप्लीकेशन है, इसका भाई बेस्ट फीचर आपको पता है क्या है, यहाँ पर आप एक बैट्समैन पिक करके, सिर्फ एक बैट्समैन पिक करके और यहाँ से ज्यादा ज्यादा ऑलराउंडर और बॉलर्स पिक कर सकते हो। तो देखो अगर भाई आप खेल रहे हो ऐसे एप्लीकेशन पर जहाँ पर भाई आपको 3 बैट्समैन लेने ही लेने हैं, तो वहाँ पर भाई आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके लिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, जो कार्टर, इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो कैटलन क्लार्क और नीचे भाई लियो कार्टर, इन तीनों में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं अभी सिर्फ 2 ही बैट्समैन लेके जाऊंगा। फाइनल टीम में मैं आपको सभी प्लेटफॉर्म की भी टीम दूंगा और 11 चैलेंजेस की स्पेशल भी टीम दूंगा। तो अभी तक जिसने 11 चैलेंजेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी जाके ज्वाइन मतलब डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, रेफर कोड है कार्तिक पीएम। अब यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में बात करते हैं, तो यहाँ से भाई मिचेल सैंटनर 100% हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा डार्सी मिशेल हमारी टीम में रहेगा। हेनरी सिप्ले को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। कोल मकविन को भाई देखते हैं अपनी टीम में लेना है नहीं लेना, बट अभी पहले बॉलर सेलेक्ट कर लेते हैं। टीम साउथ है हमारी टीम में 100% रहेगा। ट्रेंट बोल्ट हमारी टीम में 100% रहेगा। इसके अलावा बात करें तो भाई यहाँ से देखो दोनों प्लेयर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। दोनों भाई स्टार्टिंग में बॉलिंग करेंगे और डेथ में बॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को, ये दोनों आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। इसके अलावा भाई नीचे से आप मैट हेनरी को ट्राई करोगे, जो 100% आपकी टीम में रहेगा। इसके अलावा भाई आप एक बॉलर और ले सकते हो यहाँ से भाई कोल कोई ने, जो बीच में ओवर भी डालेगा, साथ ही बैटिंग भी आपको करके दे सकता है, ठीक है। तो ये भाई हमारी टीम रहने वाली है, जो बेहतरीन से भी ऊपर की पर मतलब टीम मेरे को लग रही है, और बेहतरीन से भी ऊपर की परफॉर्मेंस आपको देके जा सकती है। तो कुछ इस प्रकार की हमारी टीम रहेगी। अब यहाँ से सीवीसी की बात कर लेते हैं। देखो कैप्टन भाई डार्सी मिशेल को बना सकते हो आप, भाई बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस आएगी। इसके अलावा अगर बात करें वीसी की, तो वीसी भाई आपके लिए मिशेल सेंटनर भी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके अलावा भाई नीचे की साइड अगर बात करें, तो भाई यहाँ से आपके लिए ट्रेंट बोल्ट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पहले फर्स्ट इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है नॉर्दर्न ब्रेव्स की, तो भाई अगर स्टार्टिंग में बॉलिंग आती है तो भाई आप ट्रेंट बोल्ट के साथ जा सकते हो। अगर स्टार्टिंग बॉलिंग कैंटबरी किंग्स की आती है, तो भाई आप यहाँ पर जा सकते हो मैट हेनरी के साथ, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको बिल्कुल सेफ वीसी दे रहा हूँ यहाँ से भाई मिशेल सेंटनर। फाइनल टीम में आपको 100% कुछ ना कुछ चेंज होते दिखेंगे, उनकी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो ये मेरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल टीम होने वाली है। बाकी अगर इसमें कुछ चेंजमेंट होगा तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो और वीडियो को अगर भाई अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि यार आपका एक एक लाइक है ना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।